नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मेघा चिन्ह और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। खबर दौसा से है। 25 नवंबर 2023 को होने वाला विधानसभा मतदान के लिए मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत आज विद्यास्थली स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए आज दौसा गांधी की दायर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को स्वीप कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धारा सिंह मीना व उपखंड अधिकारी संजय गोरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में छात्र छात्रा हाथों में मतदान करवाने संबंधित स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर मतदाताओं को नारे लगाते हुए जागरूक करते हुए शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए निकले। उपखंड अधिकारी संजय गोरा ने बताया कि पिछले 6 महीने से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत आज गांधी की दाय पर स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके व अपनी भागीदारी निभा सके। विभिन्न प्रकार से दिया जा रहा है कि आप देख रहे होंगे, हम पिछले 6 महीने से लगातार जो है वो मतदाताओं को जागरूक करने के संबंध में गतिविधियाँ आयोजित कर रहे हैं। हमारा पहले जो फोकस था वो मतदाताओं को जागरूक करना था कि वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ाएं और वोट करने का अपना अधिकार प्राप्त करें। और अब जो हमारा फोकस है, क्योंकि अब नाम जोड़ना बंद हो गए हैं, तो अभी हमारा फोकस है कि मतदाता जागरूक होकर 25 नवंबर को जो मतदान होने वाला है उसमें अधिक से अधिक मतदान करें। उसी क्रम में आज जो है विधायक स्कूल के बच्चों के द्वारा एक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है और इसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की गई कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएं। सर, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, आपका समझाया था? जी बिल्कुल, कल 20 तारीख से जो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 6 नवंबर तक चलेगी।